हेलो स्टूडेंट, टुडे वी आर अगेन बैक विथ अ न्यू चैप्टर. व्हाट इज अवर न्यू चैप्टर? कैन यू रीड इट? सी, हियर इट्स गिवन सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. यस, नाउ सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट मीन्स व्हाट? सब्जेक्ट मीन्स द नाउन और अ प्रोनाउन. सब्जेक्ट इंक्लूड्स नाउन और अ प्रोनाउन एंड वर्ब. वर्ब मीन्स यू नो वेरी वेल दैट एक्शन वर्ड्स आर कॉल्ड वर्ब. जो एक्शन हम करते हैं उसको हम वर्ब कहते हैं. यस, और एम, इज, आर, वॉज, वेर, हैज, हैव, हैड, दीज ऑल आर ऑल्सो कॉल्ड अ वर्ब. यू नो वेरी वेल. यस, सो टूडे वी आर गोइंग टू लर्न सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट. सो लेट अस सी इट, वॉट इज देयर इन इट. यू नो helping verbs have to match the subject depending on whether they are singular or plural. जो helping verb होता है, helping verb कौन कौन से होते हैं पता है आपको? am, is, are, was, were, have, has, had, ये सब helping verb कहते हैं. So helping verb क्या होता है? जो subject हमें दिया गया है, तो मतलब subject क्या है? noun और a pronoun. जो सब्जेक्ट हमें दिया गया होता है उसका वो हेल्प करता है, उसके ऊपर डिपेंडेंट रहता है. यस, सो हेल्पिंग वर्ड हैव टू मैच द सब्जेक्ट डिपेंडिंग ऑन वेदर दे आर सिंगुलर और प्लूरल. मतलब जो सब्जेक्ट अगर सिंगुलर में होता है तो हेल्पिंग वर्ब उस तरह से सिंगुलर का यूज करेंगे. अगर सब्जेक्ट प्लूरल होता है तो हेल्पिंग वर्ब उस तरह से हम प्लूरल का यूज करेंगे. सो सीयर, ईज इज यूज विद अ सिंगुलर नाउन और अ प्रोनाउन. आपको पता ही है ईज हम कब यूज करेंगे? जब कोई सिंगुलर नाउन होगा और अ प्रोनाउन होगा तब हम ईज का यूज करेंगे. यस, फिर आर, आर इज यूज विद अ प्लूरल नाउन और अ प्रोनाउन और विथ द प्रोनाउन यू. आर है वो अब हम कब यूज करेंगे? जब प्लूरल नाउन होगा तब. यस, और प्रोनाउन होगा तब. और दूसरा, जब यू होगा तभी भी हम क्या यूज करेंगे? आर ही यूज करेंगे. ओके, एम इज यूज विथ द नाउन आई. आई हमें पता ही है कि आई के साथ हम एम ही यूज करते हैं, सो आई के साथ हम एम ही लिखेंगे. वॉज एंड हैज आर यूज विथ द सिंगुलर नाउन्स और अ प्रोनाउन्स. वॉज और हैज है वो हम कब यूज करेंगे? जब सिंगुलर नाउन और अ प्रोनाउन होगा तब. यस, बट वॉज और हैज हब हम कब यूज करेंगे? जब हम कोई भी सेंटेंस पास्ट टेंस के लिए यूज करते हैं तब. वेयर एंड हैव आर यूज विद द प्लूरल नाउन्स और प्रोनाउन और विद द प्रोनाउन यू. वैसे ही जैसे हमने आर का पढ़ा हुआ था, वैसे ही वेयर और हैव है वो हम कब यूज करेंगे? जब प्लूरल नाउन और अ प्रोनाउन होगा तब, और अदरवाइज यू होगा तब. द प्रोनाउन आई इज यूज्ड विद द वर्ब वॉज एंड हैव. जैसे हम आई होगा तब एम यूज करेंगे, वैसे आई होगा तब हम वॉज और हैव यूज करेंगे. सो स्टूडेंट, हैव यू अंडरस्टूड दिस थिंग? यस, एक बार वापस मैं रूल आपको समझा देती हूँ. दैट इज है वो हम सिंगुलर नाउन और अ प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे. आर है वो प्लूरल नाउन और अ प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे. अदरवाइज प्रोनाउन यू के लिए भी हम यूज करेंगे. एम है वो हम आई के साथ यूज करेंगे. वॉज एंड हैज है वो हम सिंगुलर नाउन और अ प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे. और वेयर एंड हैव है वो हम प्लूरल नाउन और अ प्रोनाउन के लिए यूज करेंगे, और यू के साथ हम यूज करेंगे. द प्रोनाउन आई इज यूज विद द वर्ब वॉज एंड हैव. आई है वो हम कब यूज करेंगे? वॉज और हैव के लिए यूज करेंगे. नाउ सी हियर एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1. अंडरलाइन द करेक्ट वर्ब and read the sentence. So what you have to do, you have to underline the correct verb. Now you know very well, we had already learned which are the verbs, so we are going to underline verbs. Okay, see here. February, the shortest month of the year, has or have 28 days. Now see here, here it is given. Yes, it is a singular, so we are going to use here has. So you have to underline has. Has or have the child's parents come today? Now see here, the child parents had come. Yes, so we are going to use have because it is a plural. The girls playing under the tree, is ya are my friend under the trees. Trees is a plural word, so we are going to use are. The sound of the bells, was ya were heard all over the house.
Now see here, it's bells is a plural is given. Yes, so we are going to use where. The house belonging to those people has ya have four floors. Now see here, people. People is a singular word. Yes, so we are going to use here has. What we are going to use? Has. Then next. Is or are there any children in the playground? Children. Children is a plural word. So we are going to use here are. The woman was here were carrying their babies in their arms. Now see here. What is given? The woman. Woman is a plural word it is given. So we are going to use here were. Next. The Arabian Nights is ya are an interesting storybook. See here, Arabian Nights is a singular. One book is given. Yes, so we are going to use is. The people who lived next door was ya were very kind. The people. Yes, so it is a plural word. So we are going to use here were. Then next. A vase of roses is ya are on the windowsill. Means vase diya gaya hai na. So is will come. Okay, so underline is. Now fill in the blanks with the correct form of the verb given in the bracket. Okay, now what we have to do? We have to fill in the blanks. We have to choose the correct word which is given from the bracket. Okay, now let's see it. What will come? Which of those two books is yours? Okay, then a clock has how many hands? A clock has. How much money does there in the purse? So how much money was? How many times dash your friends read this book? So how many times have? Because yahan pe plural diya gaya hai. The United States of America is a big country. Is a big country. Kyun? Because yahan pe United States of America proper name diya gaya hai hume. The use of disposable plastic cups and plates does not allowed here. Cups and plates. Yes. So is. The cow belonging to that farmer have brown patches on their bodies. Then here. December days. How many days? December has how many days? The roses in my neighbor's garden does lovely and fragrant. So we can use the roses in my neighbor's garden are lovely and fragrant. The loaves of bread which I brought yesterday. The loaves of bread. Yes, it's given. Plural, loaves. So, where? Now, what we have to do? Form sentence by adding a predicate beginning with is, are, was, where, has or have. Hame yahan pe predicate bana ke likhna hai. Okay? So, here see. Each of these books, abhi hame sentence ko complete karna hai. So, likhenge yahan pe is mine. Then next. All the books have been borrowed. Then next, every book has a special value. Then two of the books were given as gifts. Then none of these books are good. Some books are
my old time favorites. Then next, see here what we had done. We had the subject was given, we had added the predicate, but with the help of verb. Verb ki help se humne predicate ka use kiya hua hai. Okay, now let's see back. See here what's given. Several books are lost. Only one book has to be sent. One of the book is torn. No book has ever been lost. So have you understood this thing, student? So you had learned today subject, verb, agreement. And what you have to do, you have to complete all this exercise along with me. आपको मेरे साथ ही ये textbook में complete करनी है exercise. Okay student, what we had learned in subject, verb, agreement? We had learned that is used with the singular noun or a pronoun. Then are is used with the plural noun or a pronoun and with you. And am is used with a I. Same way, we had used that was and has is used with the singular noun, and where and have is used with the plural noun and you. Yes, and same, that I is also used with a where and have. So, have you understood this thing? Okay, student.